हटा में पत्रकार भवन से अवैध कब्जे हटाने पत्र कानून ने सौंपा एसडीएम के नाम ज्ञापन। हटा हटा नगर के पुराने कचहरी महिला बाल विकास कार्यालय प्रांगण में स्थित पत्रकार भवन सहित आसपास के अवैध कब्जे को हटाने की मांग को लेकर आज मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ हटा इकाई ने एसडीएम अभिषेक सिंह ठाकुर के नाम हटा तहसीलदार रोहित सिंह राजपूत एवं नगर पालिका सीएमओ राजेंद्र कुमार खरे को एक ज्ञापन सौंपकर कब्जा मुक्त करने की मांग की है। ज्ञापन में पत्रकारों द्वारा मांग की गई है, महिला बाल विकास कार्यालय के पास आरईएस के द्वारा पत्रकार भवन बनाया गया था जिसकी देखरेख वर्तमान में श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा की जा रही है, लेकिन भवन के चारों तरफ स्थायी और अस्थायी रूप से अतिक्रमणकारियों द्वारा टपरेर दुकानें बना ली गईं जिससे भवन के अस्तित्व को खतरा पैदा हो रहा है। साथ ही पत्रकार भवन का रखरखाव ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा, अतः पत्रकार भवन के आसपास के अवैध कब्जों को हटाकर भवन मुक्त किया जा सके ताकि पत्रकारों को असुविधा ना हो। ज्ञापन देने वालों में श्रमजीवी पत्रकार संघ हटा इकाई के अध्यक्ष अनिल शर्मा, महासचिव अतुल पन्या, पूर्व अध्यक्ष अमजद कुरैशी, पत्रकार भानु प्रताप सिंह, रजनीश पल्लिया, संजय जैन, मुजाहिद खान, विनोद पटेरिया, राम कुमार राय, सूरज जैन, दीपक पटेल, रविकांत बिदौलिया आदि की उपस्थिति रही। आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, इस संबंध में ज्यादा सत्कारी से जांच करवाते हैं और जैसा पाया जाता है कि अतिक्रमण है कि नहीं है शीघ्र ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करते हैं। अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटाया जाएगा। कब तक? जैसे जो अतिक्रमण किए हैं पहले उनको नोटिस जारी करेंगे एक हफ्ते का, कि एक हफ्ते के भीतर अपनी अपनी दुकान या जो भी है हटा लें। अगर नहीं हटाते हैं तो वो नगर पालिका स्वयं हटवाएगी। सर, जैसा कि पत्रकार कई बार इस मामले में ज्ञापन दे चुके हैं अतिक्रमण हटवाने के लिए और कई बार नगर पालिका के द्वारा आश्वासन दिया गया है, लेकिन इस आश्वासन को क्या मानकर चले, कितने दिन में ये क्लियर कर दिया? अभी तो मैं जब से आया हूँ आज पहली बार जो आप लोगों ने सभी पत्रकार बंधुओं ने भाइयों ने जो ज्ञापन दिया है वो मुझे पहली बार मिला है और जल्दी से जल्दी अपन अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई करता हूँ।